गुड मॉर्निंग बच्चे, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं क्लास 12th का जैव प्रौद्योगिकी, उसमें आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का है पहले कृत्रिम डीएनए प्रोटीयोगज अणु का विकास, यानी कि सबसे पहले कृत्रिम डीएनए प्रोटीयोगज का विकास कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें देखिए एक शब्द आया पुनर्योगज, ठीक है। तो पुनर्योगज का अर्थ होता है यानी कि दूसरे जीव से वांछित डीएनए को दूसरे जीव में जोड़ना की क्रिया को बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस एंजाइम की खोज का कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु बनाने का कार्य सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा। यह एंजाइम डीएनए को निश्चित स्थान पर काटने में सक्षम था। मनुष्य व अन्य स्तनधारियों की आंत के रोग जनक साल्मोनेला टाइफ्यूरियम के प्लाज्मिड में एंटी बायोटिक प्रतिरोधी जीन पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्लाज्मिड स्वयं प्रतिकरण करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि सन 1972 में स्टेनले कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की सहायता से इस जीवाणु की एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को अलग किया। इस पृथक्कृत एवं अलग किए डीएनए खंड को एक नए प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया गया। प्लाज्मिड डीएनए इसके साथ जोड़े गए डीएनए खंड के स्थानांतरण के लिए एक वाहक की भूमिका निभाते हैं। इसका अर्थ है कि प्लाज्मिड एक विजातीय डीएनए खंड को पोषक जीव में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग इसमें, देखिए यहाँ पे दिया फोरिजन, ठीक है, यानी कि ये जो है पूरा डीएनए को खोल दिया गया है यहाँ पे, और खोल करके जो है डीएनए की संरचना पूरा खोल के यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये डीएनए को पूरा एकदम स्फेरिकल गोल बना दिया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर। वेक्टर मीन्स होता है वाहक, वाहक यानी कि वाहक, ठीक है। और फिर डीएनए और प्लाज्मिड यानी कि ऐसे वांछित जीन जीन को जिसमें हम उसके गुण को चाहते हैं दूसरे प्लाज्मिड में रोपित करना, उसको आइसोलेट करना, उसको अलग करना, ठीक है। देखिए अब क्या किया गया, वेक्टर वाहक यानी कि अगर जो हमको इसमें से निकालना है वांछित जीन वाले, तो क्या करते हैं इसमें से कटिंग करके हम उसको अलग कर सकते हैं। देखिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग फॉरिजन डीएनए वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। यानी कि इसमें हम देख इसमें हमें पता चल जाता है कि किस डीएनए पर, यानी कि आप लोग जानते हैं डीएनए में चार नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ए बी सी और डी, यानी कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन। तो किस नाइट्रोजनी क्षारक पे कौन से जीन जुड़े हैं और किस जीन पे कौन सा गुण जुड़ा हुआ है, कौन सा कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, इसको हम पता कर लेते हैं एंजाइम के द्वारा, ये पता चल जाता है। और इसको हम यहाँ से काट करके निकाल सकते हैं, और कटिंग करने के बाद हम दूसरे डीएनए में भी इसको रोपित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है दूसरे डीएनए में, ठीक है, कि यहाँ पे जो है डीएनए को पूरा खोल दिया गया है, और खोल के जो है इसका कटिंग कर दिया गया है। देखिए लिगेज फॉर ज्वाइन फॉरिजन डीएनए टू प्लाज्मिड, यानी कि ये कटिंग किया हुआ डीएनए बी से इसको निकाल करके, ठीक है, इसमें रोपित कर दिया गया है, और फिर ये बार बार जो है डिवाइड हुआ है, और डिवाइड होने देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिवाइड होने के बाद से यहाँ पे एक सेल बनाया है, इसको बोल रहे हैं ई कोलाई, ठीक है, यानी कि सेल डिवाइडेड। तो जो पूर्व से ई कोलाई एक सेल बन गया है, ये दो सेल में जो है डिवाइड हो जाता है। जब दो सेल में डिवाइड हो जाता है तो पूर्ण उसमें इसमें जो हम वांछित जीन वाले गुण का कैरेक्टर चाहते हैं वो इसमें आ जाता है, और फिर हम जो भी इसमें से काट छाट करना चाहते हैं वो काट छाट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसको आप लोग अपने कापी में नोट्स बनाएंगे, ठीक है,
और सुंदर से डायग्राम को बनाएंगे। मैं डायग्राम आप लोगों के पास भेज दे रही हूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चे।